भागलपुर में पछुआ हवा का प्रकोप दिखाई देने लगा है। अमूमन सुबह के समय घना कोहरा रहता है, जिस कारण सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबू वीर कुंवर सिंह चौक के समीप का है, जहां सबौर जाने वाली मोड़ पर एक युवक को अनियंत्रित हैवा ने कुचल दिया। मृतक की पहचान तेतरी निवासी मनोज कुमार मंडल के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि मृतक साइकिल पर केला लेकर 0 माइल की तरफ बेचने के लिए जा रहा था, तभी नो एंट्री में जा रही एक हैवा ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए और मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर अगजनी व हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने 0 माइल थाना पुलिस पर ट्रक वालों को नो एंट्री में घुसाने का आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस वाले ट्रक वालों से नो एंट्री में घुसने के लिए अवैध वसूली करते हैं, जिस कारण यह घटना घटित हुई है। बहरहाल 0 माइल थाना अध्यक्ष कौशल भारती अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं एक्सीडेंट के बाद हुई मौत से जाम काफी बढ़ गया, जिस कारण गोपालपुर के मुखर विधायक गोपाल मंडल भी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को समझाने का कोशिश किया, पर पीड़ित परिवार जिलाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जिससे दबंग विधायक को गुस्सा आ गया और उन्होंने परिजन को ही थप्पड़ जड़ दिया। अहंकार में सराबोर विधायक ने बताया कि हम ही डीएम के बाप हैं। वहीं गोपाल मंडल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने आम आदमी को नहीं, अपने आदमी को थप्पड़ मारा है। उसे वहां से हटने के लिए कह रहे थे और वह नहीं मान रहा था। हम आम आदमी को थप्पड़ क्यों मारेंगे, क्या हम बेवकूफ हैं? गौरतलब हो कि विधायक गोपाल मंडल अपने दबंगई भरे अंदाज के लिए कुख्यात हैं। इसके अलावा कई अतरंगी कारनामे भी विधायक के नाम हैं। एक्सीडेंट होले आर वो घर में देखने अच्छे छुट्टी घर वास निकल लो ले 3:30 बजे लगभग हाँ अब चले सूचना के समय यहाँ फोन करके रजमा मोबाइल चले की नाम मनोज मंडल नहीं हम अपने आदमी को मारे, हमारे साथ जो आदमी था हमको समझाने नहीं दे रहा था, हमको घींचता था, अपने आदमी को थप्पड़ मारे और कौन उसके आदमी को थप्पड़ मारे हैं? बेवकूफ हैं। हमारा चुनाव होने जा रहा है, हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, हम पब्लिक को थप्पड़ मारेंगे? हमारे साथ जो हमारा आदमी था वो घींच रहा था, समझाने नहीं देता, उसको मैंने थप्पड़ मारा। अब क्या कुछ होगा आपके तरफ से भी कुछ? अरे देखिए हम तो यही बोले 5 लाख हम दिलवा देंगे, बोले डीएम साहब आएंगे तब। हमने एमएलए आ गए ना, डीएम साहब का हम बरका है, सरकार के लोग हैं, बिहार विधानसभा सचेतक हैं, हम आपको 5 लाख तो दिलवा देंगे तुरंत, पहले तो पोस्टमार्टम हो और प्रक्रिया FIR हो, दूसरी बात परिवहन विभाग से दिलवाएंगे, ये करीब 15-20 लाख दिलवाएंगे। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कनेरी गांव निवासी सुभाष यादव के 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर यादव ने जोरी बहियार में पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। इसको लेकर मृतक छात्र के घर वालों ने कहा कि सिकंदर यादव बकरी चराने की बात कहकर जोरी बहियार गया था, जहां उसने बकरी की रस्सी से ही पेड़ में लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं इसकी सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि बच्चे द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। पुलिस परिजनों का बयान लेकर फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर शनिवार को नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य मिथुन कुमार की अगुवाई में 20 जिला परिषद सदस्यों द्वारा आवेदन दिया गया। इसको लेकर जिला परिषद अध्यक्ष कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय और जिला उप विकास आयुक्त कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव के लिए समय निर्धारित करने की मांग करते हुए कहा गया कि जिस काम के लिए जनता ने उन सभी को चुनकर सदन में भेजा, वे सभी अपने कामों पर खरे नहीं उतर पाए जो जनता के लिए विश्वासघात है। मिथुन कुमार ने कहा कि विकास कार्य के लिए जनता ने उन्हें चुना, लेकिन विकास कार्य आगे नहीं बढ़ सका, जबकि उन सभी को सदन में उचित सम्मान भी नहीं मिला, जिससे सभी जिला परिषद सदस्यों ने वर्तमान अध्यक्ष टुनटुन शाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है और यदि अविश्वास प्रस्ताव के बाद उन्हें मौका मिलेगा तो क्षेत्र और जनता का विकास कार्य एवं सभी सदस्यों का उचित सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वहीं जिलाधिकारी और DDC से मिलकर जिला परिषद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारण पर भी चर्चा की। हालांकि अब तक अविश्वास प्रस्ताव के लिए जितने जिला परिषद सदस्यों की जरूरत है उतनी की तो मौजूदगी है, पर आने वाले समय में कौन बाजी मारता है यह तो वक्त ही बताएगा। लोगों को तो पता ही, हम लोग जिला परिषद सदस्य हैं और हम लोग चुनाव जीत के आए हैं विकास करने के लिए क्षेत्र की जनता के लिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है,
अपना योगदान देने के लिए, भागीदारी देने के लिए समाज के प्रति। तो हम लोगों को जनता ने जो चुनने का काम किया तो उसके लिए हम लोगों ने विकास का एक व्यवस्था अपने जिला परिषद में जो करने का काम देखा वो हम लोगों को संतुष्ट हुआ, और हम लोगों को इतना सा सम्मान भी नहीं मिला कि हम लोग जनता के बीच में मुंह दिखाने के लिए रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो संविधान का नियम है 2 साल के बाद जो अविश्वास लगाया जाता है उसी लिए हम लोग इसी मुद्दे पर हम लोग संगठित होकर के अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ या विरुद्ध हम लोग डाले हैं। कारण है कि हम लोगों के बीच कभी सामंजस्य नहीं रहा, हम लोगों को हे दृष्टि से देखा गया। अध्यक्ष एक गार्जियन होता है और उन्होंने हम लोगों के साथ कभी भी व्यवस्था नहीं दिया विकास का और ठगने का हमेशा काम किया, और हम लोग अगर कभी उसको प्रणाम भी करते थे हम लोगों को इग्नोर किया जाता। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड की प्रमुख रजनी देवी पर पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए समय निर्धारित करने की मांग की है। वहीं प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े आवेदन की प्रतिलिपि भागलपुर सदर अनुमंडल पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी को भी सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रखंड उपप्रमुख मोतीलाल मंडल, पंचायत समिति सदस्य गुड़िया देवी, रेणु देवी, सेनापति राय, बेबी नाज, जयंत भूषण और अनिल रविदास सहित 13 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं। जबकि इन सभी सदस्यों का कहना है कि प्रखंड प्रमुख रजनी देवी क्षेत्र की जनता के विकास कार्य पर ध्यान नहीं देते हुए केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करने पर अधिक ध्यान देती है, जो जनता के हितों से खिलवाड़ है। साथ ही कहा कि प्रमुख द्वारा उचित समय पर पंचायत समिति की बैठक नहीं बुलाई जाती है, जबकि अगर कभी बैठक होती है तो प्रमुख उसमें भी ससमय नहीं पहुंचती है। वहीं पंचायत समिति अंतर्गत विकास कार्यों की जानकारी भी पंचायत समिति सदस्यों को नहीं देने का आरोप लगाते हुए प्रमुख पर मनमाने ढंग से कार्य का वितरण एवं क्रियान्वयन कराने की आरोप लगाई गई। इसके अलावा क्षेत्र के विकास से जुड़े कई अन्य बिंदुओं पर ध्यान नहीं देने को लेकर पंचायत समिति सदस्यों द्वारा विशेष बैठक बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने एवं मत विभाजन कराने की मांग की गई।